क्या उर्फी जावेद सच में हुई गिरफ्तार या सोशल मीडिया पर किसी ने किया मजाक? सच लेकर आए हैं हम आपके पास। वीडियो में दिख रहा तीन ऐसा पहलू जो गिरफ्तारी को बता रहा था, मगर मुंबई पुलिस के बयान से सब हो जाएगा साफ। कैफे में दोस्तों से कर रही थी बात, तभी पहुंची मुंबई पुलिस, उर्फी का पकड़ा हाथ और सीधे ले गई थाने। उर्फी को गिरफ्तार कर क्या मुंबई पुलिस ने किया है अच्छा काम? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। उर्फी जावेद एक ऐसा नाम है जिसे आज हर कोई जानता है, क्योंकि उर्फी आसमान को छिड़कर भी ड्रेस बना सकती हैं, जमीन को फाड़कर स्कर्ट पहन सकती हैं, समंदर को अपना स्कार्फ तो पेड़ पौधों को गहना, केले के छिलके हो या हवा मिठाई, हाथों में पहनने वाली घड़ी हो या सुई, वो सबसे अपना तन ढक सकती हैं। अपने अतरंगी कपड़ों को लेकर हमेशा से चर्चाओं में रहने वाले उर्फी जावेद अब इन्हीं कपड़ों की वजह से फंसती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल उर्फी जावेद का एक वीडियो शुक्रवार दोपहर से ही इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसे देखकर तो यही लग रहा है कि मुंबई पुलिस उर्फी जावेद को अरेस्ट कर थाने ले गई। मगर इस रिपोर्ट में हम आपको तीन ऐसे पहलू बताएंगे जिससे आपको पूरा सच समझ में आ जाएगा। वैसे बॉलीवुड में छोटे कपड़े पहनकर अश्लीलता फैलाने वाली हीरोइन की कमी नहीं है, ऐसे में सिर्फ उर्फी को कपड़ों की वजह से गिरफ्तार करना सही है या गलत, अपनी राय हमें बताएं। दरअसल पपराजी द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें उर्फी कैफे में बैठकर अपने दोस्तों से बातचीत कर रही थी, तभी दो महिला पुलिसकर्मी आती हैं और उन्हें थाने चलने के लिए बोलती हैं, जिससे कुछ मिनट तक उर्फी की बहस भी होती है। उर्फी पूछती हैं, आखिर मैं क्यों जाऊं, आपको किसने ऑर्डर दिया? तो पुलिसकर्मी सीधे कहती हैं, आप थाने चलकर बात करना। वहीं पुलिस ने इस दौरान यह भी कहा कि इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर कौन घूमता है, जिसके बाद उर्फी ने यह भी कहा था कि मेरी मर्जी। इस दौरान उर्फी जावेद ने टूटे दिल वाला बैकलेस टॉप और जींस पहन रखा था। थोड़ी देर बाद पुलिस उर्फी को गाड़ी में बैठा कर सीधे ले जाती है। वीडियो को इस तरह शेयर किया गया है कि यह पूरी तरह सच लग रहा है, लेकिन इसमें तीन ऐसे पहलू हैं जो वीडियो को झूठा साबित कर रहे हैं। पहलू नंबर वन, महिला पुलिस कर्मियों का सामान्य पुलिस जैसा रवैया, हाव भाव नहीं दिख रहा है। पहलू नंबर दो, पुलिस की गाड़ी अमूमन सफेद होती है, जबकि ये कोई ब्लू या काले रंग की लग्जरी गाड़ी दिखती है। और पहलू नंबर तीन, दोनों महिला पुलिस कर्मियों ने उर्फी को गाड़ी में बीच वाले सीट पर आरोपी की तरह बिठाने की बजाय उसे खिड़की साइड में बिठाया। खैर हकीकत क्या है, यह तो मुंबई पुलिस के बयान के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल उर्फी की गिरफ्तारी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। मार्बल ऑल टाइल्स को करे बाय बाय, दीवारों के लिए आ गया इश्का पीवीसी मार्बल सीट। गोड्डा में खुला पहली बार कृष्णा इंटीरियर एंड डेकोर, एक ऐसा पीवीसी मार्बल सीट दुकान जिसे डायरेक्ट दीवारों पर चिपकाओ और घर को सुंदर बनाओ। 100% वाटरप्रूफ एंड फायरप्रूफ, 10 साल गारंटी के साथ। साथ ही वॉल पैनलिंग, फॉल सेलिंग, दीवारों पर वॉलपेपर डिजाइनिंग भी उपलब्ध है। अब घर दिखेगा स्वर्ग जैसा। हमारा पता, गोढ़ी पोखर, गांधीनगर, गोड्डा। मोबाइल नंबर 7004171896।